तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से निरंकारी मिशन की ओर से प्रोजेक्ट अमृत के तहत एक साथ पूरे देश में 1500 जगह पर सफाई अभियान चलाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई यहां पर जरूर की जा रही है। करनाल की अगर बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर पर छठ घाट पर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई अभियान चलाया गया। और आप देख सकते हैं महिलाएँ किस तरीके से यहाँ पर सफाई करती हुई जरूर नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आज पूरे देश भर में 1500 जगह पर एक साथ जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। आज संत निरंकारी मिशन द्वारा और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के असीम कृपा से, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में 27 राज्यों में और 1500 स्थानों पर ये अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसका स्लोगन है स्वच्छ जल स्वच्छ मन, इसके अंतर्गत जगह जगह ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें सब जगह वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो समुंदर हैं, चाहे नहरें हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जोड़ हैं, अनेकों जहाँ जो जिस जगह जिस शहर में जो जगह उपलब्ध थी वहाँ ये सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। और ये पिछले साल ही जो ये दूसरा चरण है, पहला चरण इसका लास्ट ईयर से शुरू किया गया। और ये सब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित, क्योंकि उन्होंने जीवन प्रांत यही सिखाया कि प्रदूषण चाहे अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक हैं। इसलिए जहाँ मन के प्रदूषण को निरंकारी मिशन द्वारा दूर किया जाता है, वहीं चाहे ये कहीं वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, नॉइस प्रदूषण है, किसी प्रकार का भी, इसका भी जो है खात्मा किया जा रहा है। और इसके अलावा संत निरंकारी मिशन द्वारा अनेकों और सामाजिक कार्य किए जाते हैं। हालांकि संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है, जिसका ये मानना है कि आत्मा जब इस शरीर में आती है तो परमात्मा की जानकारी करके वो मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। निरंकारी मिशन उसी विचार, आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर चल रहा है और उसके साथ साथ ये सामाजिक कार्य कर रहा है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हैं। अगर देखा जाए तो आज तक 13 लाख से ऊपर ब्लड डोनेट यूनिट जो है मिशन द्वारा हो चुका है, जो अपने आप में सिर्फ भारतवर्ष का नहीं विश्व का रिकॉर्ड है। इसके अलावा जब कोरोना में ऑक्सीजन की कमी आई तो तब हमने पूरे भारतवर्ष में आधा एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक के वन तैयार किए, ताकि नेचुरल एयर जो है वो समाज को, मानव मात्र को मिल सके। क्योंकि सतगुरु बाबा जी का ये भी कहना था कि मानव को मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। आज भी सुबह से लगातार जो समाज सेवी हैं वो काम कर रहे हैं, उनको कुछ हौसला बढ़ाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जितने भी आप ये देख रहे हैं इनका हौसला बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सारे संसार को अपना परिवार समझते हैं, तो ना ही इन्हें समझाने की जरूरत पड़ती है। ये सभी स्वयं सेवक हैं, आकर सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। 23 घाट उधर हैं, ये एक घाट इधर है जिधर आप हम खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये पार्क वगैरह, आप अगर इस कल इन घाटों का कोई नज़ारा देखते तो आपको गंद ही गंद नज़र आता, लेकिन आज आप देख रहे हैं किस प्रकार एक सफाई की गई है। और इन्हीं में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जिनके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, वो स्वयं यहाँ आकर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सेवा करने के लिए सेवादार लगातार पहुंच रहे हैं और पूरे दिल से, पूरे मन से यहां पर वो सेवा कर रहे हैं। सुबह से ही करनाल में पश्चिमी यमुना घाट पर जो है सफाई अभियान चलाया गया है। और आप देख सकते हैं हाथों में झाड़ू उठाकर किस तरीके से समाज सेवी है वो यहां पर सेवा करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। करनाल के पश्चिमी यमुना नगर नहर के छठ घाट की तस्वीरें जहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो समाज सेवी हैं सेवा करने के लिए पहुँचे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से छठ घाट पर जो है निरंकारी समाज की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है सफाई अभियान चलाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे दिल से, पूरे मन से यहां पर जो है सेवा करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं।